इस कांग्रेस की बहुत खुशनुमा महफिल के रूए रवान हमारे नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी, हमारे पंजाब और देश के अत्यधिक सत्कार योग्य, बहुत सम्मान योग्य, जिनको हम केवल पंजाब का राष्ट्रीय एक स्तंभ नहीं समझते बल्कि अपने देश का भी एक राजनीतिक स्तंभ मानते हैं, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी, अभी जिन्होंने बहुत बड़ी एक बड़े दिल के साथ जिस तरीके से कांग्रेस की रवायत का खैर मकदम किया और यहां आपके नवनियुक्त प्रधान को बधाई देने के लिए पहुंचे, हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और आगे की हमारी कई संभावनाओं के मालिक श्री सुनील जाखड़ जी, और मैं चाहूंगा एक बार जरा सुनील जाखड़ जी के लिए आप सब जरा ताली बजाने का काम कर दें। हमारे साबका प्रेसिडेंट और पंजाब कांग्रेस के जमीनी नेता प्रताप सिंह बाजवा जी, हंसपाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, राजेंद्र कौर भट्टल जी हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, हमारी बड़ी बहन लाल सिंह जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जब उनको नाम ले लिया तो सारे वरिष्ठ लोगों का नाम उसमें जुड़ जाता है, हमारे सांसद गण, हमारे चारों वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा जी, दैनी साहब, संगत सिंह जियान जी और पवन गोयल जी, यहां पर हमारे मंचासीन एआईसीसी के नेता उदय प्रसाद जी जो दलितों की आवाज है वो यहां पर आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, हमारे सभी मिनिस्टर साहबान, कुछ मंचासीन है कुछ मंच से नीचे बैठे हुए हैं, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व वर्तमान ओहदेदार, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्षगण, हमारे कांग्रेस के सब कार्यकर्ता साथियों, सांसदगण जिनका नेतृत्व प्रतिनिधि भी कर रही हूं, मैं आप सब बहनों और भाइयों को आपके इस खुशी के मौके पर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप सबको कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, प्रियंका गांधी जी की तरफ से आज के इस शुभ मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देने आया हूं, आपको आपका नया प्रधान बहुत बहुत मुबारक। मैं प्रधान जी अपना एजेंडा क्या बताएंगे वो खुद आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस परंपराओं के बल पर आगे बढ़ती है और हमको उन परंपराओं के झंडे को आगे लेकर के चलना है, इसीलिए 137 वर्षों में भी कांग्रेस पार्टी आज भी जवान है और हमारी परंपरा है सबको साथ लेकर के चलने की, सबके साथ खड़े होने की, और सिद्धू साहब आज मैं सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से सबको साथ लेकर के चलने की ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल रहा हूं और मुझे बहुत उम्मीद है कि एक जवान कंधे के तौर पर आप इस जिम्मेदारी को
बखूबी निभाने का काम करेंगे। आपको मेरी बात पसंद नहीं आई, आपको ताली नहीं बजाई, स्टैच्यू से सबको साथ ले चले। और जब मैं साथ ले चलने की बात कर रहा हूं तो उसमें मैं सामान्य जो कार्यकर्ता हैं उन मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं उस साथ लेकर के चलने की बात कर रहा हूं, क्योंकि सामान्य कार्यकर्ता ही हमारी लड़ाई का हिरावल दस्ता है। आप सोनिया गांधी की लड़ाई के हिरावल दस्ते हैं, मगर इतिहास ने पंजाब के कांग्रेस के साथियों आपको ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा किया है जिसमें और कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ला करके खड़ा किया है ऐसे मोड़ पर, जिस मोड़ पर आपका कंपटीशन कि कौन कांग्रेस के अंदर जीत का टर्निंग पॉइंट बनेगा, एक पंजाब है और दूसरी तरफ उत्तराखंड है, एक इस समय मेरी कर्मभूमि है और दूसरी मेरी जन्मभूमि है। और हमारे संस्कार कहते हैं कि व्यक्ति की भावनाएं जन्मभूमि भी कहती है कि तेरी भावनाएं कर्मभूमि के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। अब पंजाब के कांग्रेस के साथियों और सम्मानित नेतागणों, आपको तय करना है कि 2022 में कांग्रेस की जीत के सारे देश में 2024 तक परचम को लहराने का काम पंजाब कांग्रेस को करना है या ये काम आप उत्तराखंड कांग्रेस के ऊपर छोड़ेंगे। और मैं तो चाहूंगा भगवान करे, वाहेगुरु से मैं अरदास करूंगा, मैं सभी यहाँ के देवस्थलों से गुरु ग्रंथ साहिबान गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करूंगा कि वो हमको इतनी ताकत दे कि हम पंजाब में भी और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की जीत का परचम लहराएं और 2024 में हम देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएं। ठीक है, वाहे श्री गुरु जी का खालसा, वाहे श्री गुरु जी की फतेह। ठीक है, चंगा है ना। और ये काम कैप्टन साहब इतिहास ने आपके कंधों पर डाला है, मैं आपकी मैग्नानिमिटी का कायल है। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसकी तरफ हम हमेशा के लिए प्रेरणा के लिए देखते रहे, और जिस तरीके से आपने किसानों की लड़ाई और आप गरीबों के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ी है आपने, हर तरीके से जिस प्रकार से पंजाब जैसे सीमांत प्रदेश के अंदर सारी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का संदेश देने का काम किया है, उसके लिए मैं कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि अब आप जिस नौजवान का कभी बचपन में आपने हाथ पकड़ा होगा और हाथ पकड़ करके कहा होगा इत्थे आ इत्थे बैठ, तो आज उसी नौजवान के नेतृत्व में इतिहास ने कांग्रेस अध्यक्षा ने आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी है कि आप 2024 के अंदर कांग्रेस को पंजाब के अंदर जीत की तरफ लेकर के जाने का काम करें 2022 में और 2024 में भी जीत करके ले जाने का काम करें। 2022 में जीत का पूरा पूरा दायित्व आपके कंधों में है। और एक बात मैं जानता हूं कि शेर शेर रहता है, वो कभी भूला नहीं। लेकिन मैं एक बात ये भी जानता हूं कि शेर मन का भी राजा होता है और इसीलिए उसको राजा कहा जाता है।
और आपने सब चीजों को आगे पीछे कुछ नहीं देखते हुए अब केवल केवल आप 2022 देखेंगे, ताकि देश के सारे कांग्रेस जनों के लिए, सारे कांग्रेस जनों के लिए जिसमें मुझ जैसे 73 साल के लोग भी सम्मिलित हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप किस तरीके से सबको जोड़ करके 2022 में हम सबकी जीत का रास्ता प्रशस्त करने का काम करते हैं। मैं लोगों के आंखों की, चेहरे की चमक देखने का काम कर रहा हूं, जो 2022 का नाम लेते ही उनके आंखों में चमक आ रही है। नवजोत जी, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना। आप लोगों को मेस्मराइज कर देते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आप में प्रकृति ने, वाहे गुरु ने अद्भुत गुण दिए हैं, और आपका समर्पण मैं जानता हूं कि पंजाब के लिए टोटल 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 समर्पण है। मैं जानता हूं कि आपका समर्पण कांग्रेस नेतृत्व के लिए टोटल समर्पण है, और आपने इन दोनों आकांक्षाओं के बीच में सेतु बन करके, दोनों आकांक्षाओं को जोड़ करके आगे चलने का काम करना है। किस नम्रता के साथ, किस खूबी के साथ, किस विनम्रता के साथ आप आगे लेकर के चलते हैं, मैं भरोसे के साथ कहना चाहता कह सकता हूं कि चाहे उस दिन तो मैं भूतपूर्व साबका इंचार्ज के रूप में आऊंगा, मगर मुझको बुलाना जरूर, जब कांग्रेस की पंजाब के अंदर ताजपोशी होगी तो मैं आप सबको हाथ जोड़ करके बधाई देने के लिए आऊंगा। वो मौका देंगे ना आप सब? मैं एक आग्रह आप सबसे करना चाहता हूं, मुझसे, मैं अपने दिल में उस सवाल को रोक नहीं पा रहा हूं। मैंने कभी एक कार्टून में पढ़ा था, एक व्यक्ति जंगल से होकर के आया, घर में वो आकर के बड़ा घबरा रहा था, पीला पड़ा हुआ था, चिंतित था, बोल नहीं पा रहा था। तो पत्नी ने कहा, पिता ने कहा, भाई ने कहा, बोल भाई, बोल भाई, बोल भाई, क्या? बोला, साहब मैं क्या बोलूं, मैं जहां से आ रहा था शेर दहा रहा था, तो मुझसे भी लोग कह रहे हैं हरीश रावत तुम बहुत कमजोर हो रहे हो, बहुत बीमार जैसे हो गए हो, जब बहुत ज्यादा शरीर बहाड़ने लग जाते हैं तो मेरी क्या दशा होती होगी, जरा मेरा ख्याल रखिएगा। जरा सब लोगों से मेरी विनती है, मेरा भी ख्याल रखिएगा, मैं जिथे कोई गलती होगी तो मैं उठे आप मुझे बता देना, कान पे मेरी गलत कर देना, बाकी उसको रिजॉल्व करना ये साधा काम है, साधी ड्यूटी है, उस काम को मैं करूंगा। आप अपने प्राप पर इतना भरोसा रखिएगा, बजाय बाहर कहने के, इधर उधर कहने के, तो आप मुझको कह दीजिएगा, नहीं तो हरीश रावत का काम, राहुल गांधी जी कहेंगे हरीश रावत तेरा काम तो खत्म हो गया, तुझसे तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा, तुझको कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है, और उस दिन मेरी ऑफिशियल छुट्टी हो जानी है, तो जरा मेरी छुट्टी जरा सा डिग्निफाइड तरीके से करवा देना, ये मेरी आप सबसे विनती है। तो एक बार फिर मैं आज के इस मुबारक मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार ताली बजा करके आप अपने नवनियुक्त अध्यक्ष का कर्तव्य ध्वनि से और चारों वर्किंग प्रेसिडेंट साहबान का स्वागत करें। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा, कैप्टन साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि सारे लोगों के हाथ उठा करके, सारे लोगों के हाथ उठा करके एकजुटता का संदेश दें। जिस दिन दोनों सिद्धू साहबान के हाथ उठ गए, उस दिन पंजाब एक, कांग्रेस की फतेह। जय हिंद, जय कांग्रेस। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ, 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।